हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा पहला दिन है ऑस्ट्रेलिया में और अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो एक बार बाहर का राउंड भी मार के आते हैं और देख के आते हैं आसपास की जगह कैसी है। तो यहाँ पे एक IGA करके सुपरमार्केट है, तो वहीं से होकर आया हूँ मैं। अभी वॉक करके ही आया हूँ जहाँ पे मैंने अभी घर लिया है। एंड तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फियर होता है किसी भी स्टोर में जाने से पहले, या कहीं गलत तो नहीं चले गए, तो क्योंकि हमें स्टार्टिंग में चेकआउट करना होता है चीज़ें, क्योंकि हम फिर डॉलर देखते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं INR में, फिर पता चलता है कि हाँ कि इसका कितना रियल प्राइस है। तो जैसे मैं स्टोर में गया तो सबसे पहले मुझे केले दिखे, मैं केले बहुत पसंद है, तो केले थे 6 point something डॉलर पर KG, ऑलमोस्ट 300-350 रुपये किलो केले। उसके बाद मैंने सब्जियाँ देखी जिसमें टमाटर दिखे मुझे, टमाटर थे भाई साहब 500 रुपये किलो, जो हम 5 रुपये के लिए वहाँ पे जुबानजोरी कर देते हैं इंडिया में, यहाँ पे 500 रुपये किलो टमाटर हैं। एंड ये यहाँ पे पता नहीं क्या नींबू लगे हैं तो नीचे भी गिरे हुए हैं, ऐसे है जो है वो है। पर हाँ सुंदर बहुत है और बहुत ज़्यादा शांति है, मन बिल्कुल हल्का हो रखा है जब से आया हूँ मैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा स्ट्रेस है ना एकोमोडेशन का लेके और छोटी छोटी चीज़ को लेके। देखते हैं और मेरे दिन आगे का कैसे चलेगा, आगे दिखाता हूँ मैं अपनी जर्नी। तो हाय गाइस, मैं अभी बेंटले प्लाजा आया हूँ। घर के पास ही एक बेंटले प्लाजा है जहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं और मैंने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह। एंड तो ये जो बेंटले प्लाजा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लिकर लैंड है यहाँ पे, केमिस्ट शॉप है, डोमिनोज है, जेनेसिस भी है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया वुल्फवर्थ जो है, वुल्फवर्थ में आपको ग्रोसरी बहुत ही सस्ती मिल सकती है क्योंकि बहुत ही बड़ा स्टोर है। तो अभी मैं वुल्फवर्थ जाता हूँ और कुछ ग्रोसरी जो है मेन वो लेता हूँ। और मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं घर से निकला तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है। एंड जब इधर से हम जाएंगे तो मैं यहाँ से बस लेके जाऊँगा, तो मैं आपको यहाँ से बस का भी ट्रैवल दिखाऊँगा कि ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है बस में। मुझे भी नहीं पता है बट उन्होंने बताया है कि हाँ इजी है, आप गूगल पे जाओगे और आपको बस स्टॉप बताएगा, आपको टाइमिंग बताएगा, इजी है, गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहीं पे है बेंटली स्टोर, चलते हैं अंदर। गाइस मुझे यहाँ पे कलकत्ता स्वीट एंड सेवरी मिला है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, एक कलकत्ता का ही कुछ खाने पीने का है, ठीक है, अच्छी बात है। जो बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो अपने कलकत्ता से ही आए हुए हैं यहाँ पे और वहीं का खाना पसंद करते हैं। तो गाइस ये है जिसकी हम बात कर रहे थे, वुल्फवर्थ। तो इसमें देखते हैं, ओह माय गॉड, ये ओपन्स ऑटोमेटिक, वाओ, ये सारे के सारे सेक्शन है यहाँ पे ज्यादा। ओके ये कौन सा आलू है, ये चिप्स वाला आलू दिखा है जो अपना पता नहीं लाल पीले आलू पड़े हैं यहाँ पे, खतरनाक। तो अगेन 4.5 डॉलर, ऑलमोस्ट वही 230-240 रुपये किलो आलू। चलो कोई नहीं, बिलात में आए हो तो तुम थोड़ा सा तो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले एग लेने हैं अपने लिए, एग लेना, ब्रेड लेने और बटर लेता हूँ। और घर पे जाके मैं सोच रहा हूँ कि ऑमलेट बनाऊँगा अपने लिए, ट्रोली नहीं भूल जाता गाइस। बाहर से अंदर जाते हैं, बुद्धि के नीचे पटाख एक ले लो यो, अब बढ़िया तरीके से शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले ले लो दो केले, जमा हम सुबह खाएंगे अपना। है तो 4.5 रुपये दोनों, फिर जा देंगे क्या, परसों भी लूँगा, 4 केले ले लेते हैं। चलो चल भाई चल आ गए। अरे क्या क्या रुपए की है ये, बहुत महंगी है हिसाब किताब यहाँ तो। गुरु जी राम राम जी, किसने ने देखा, चलो छोड़ो प्याज, बहुत थारी भाव है बस सुबह, बहुत ही खनाक ही प्याज है, 5.5 डॉलर, मतलब ही होए 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 270 रुपये की एक प्याज। कोई ना, हमने ले रहे प्याज। हाँ चलो हो शराब की दुकान, हम तो पीते नहीं है तो हमें क्या करना। छोड़ो गाइस, गाइस मेरे को देखो क्या मिला है यहाँ पे, सबकी फेवरेट, सबकी प्यारी, 2 मिनट में बनने वाली आपकी मैगी। अगर मैं रेट की बात करूँ तो $5 की है ये पूरा पैक,
इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 तो मुझे डरा के लिए। इसमें है 5 पैकेट, 5 डोलिंग 250 रुपए की, एक बिग पैकेट है जिसमें 5 पैकेट है। राम राम जी सारिया ने। तो गाइस मुझे लेने हैं अंडे, तो अंडे पे वैसे दाम है 7, 8, 5 ऑलमोस्ट डॉलर, $4। तो एक है यहाँ पे मेरे को मिला है क्विक सेल का $3.44, तो ये सही लग रहा है, ये उठा लेते हैं। चलो ये रख लेते हैं क्योंकि और तो सब मेरे को 9, 10, 11 डॉलर से कम के नहीं लग रहे थे। क्विक सेल में वैसी चीज़ शायद यहाँ पे मिल जाती है, इसीलिए मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे आओगे तो कुछ चीज़ें क्विक सेल में मिल जाएंगी। और एज कम्पेयर टू अदर ग्रोसरी मार्केट जो होती है सुपर मार्केट, वहाँ से कुछ सेंट या कुछ डॉलर या कैसी चीज़ आपको कम में ही मिलेगी। अभी हमारा एक तो बटर लेना मेरे को। तो भाई एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में आके जो इनके पावर सॉकेट रहते हैं उनका चेंज है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आप जब भी आओ तो इंटरनेशनल प्लग लेकर आओ, या फिर यहाँ आके आपको कुछ निकाय ऐसे रहते हैं दतवे, तो आपको कुछ यहाँ पे $30, $22 क्या करें ऐसे ही है। तो गाइस केले ले लिए, बटर ले लिया, ब्रेड ले ली और हमने अंडे ले लिए। चलो लेट्स गो गाइस। मैं कुछ नहीं, अपने एग लिए हैं, ब्रेड लिए हैं, बनाना लिए हैं और बटर लिया, बस एग ब्रेड खाऊंगा शाम हम तो, और सुबह को वही शेक बनाऊंगा, बनाना शेक बढ़िया सा। और टोटल बिल $14 समथिंग साइज का हुआ है। तो गाइस अब हम यहाँ से चलते हैं घर की तरफ अपने, तो पास में ही एक यहाँ पे स्टॉप दिखा रखा है, वहाँ मेरे को जाना है रोड क्रॉस करके और फिर वहाँ बस आएगी स्टॉप पे, बस स्टॉप पे, और फिर हम अपने घर की तरफ चलेंगे। सिस्टम यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ब्रेड हो गए तो डू नॉट क्रॉस, बटन दबाओ ठीक है, और जब वहाँ पे ग्रीन होगी तो हमें ये रोड क्रॉस करनी है यहाँ से। तो भाई ये है यहाँ का बस स्टॉप, तो ऐसे ये लंबा सा ये खंभा खड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नंबर, और बस यहीं पे बस आएगी रुकेगी और हम चल देंगे। यहाँ कुछ ऐसे नहीं है, बस ये ऐसे खंभा लगा हुआ है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कितनी देर में आएगी। वैसे तो लिखा और बिलीव गाइस बस तो आ रही है, पता नहीं ये रुकेगी यहाँ पे, नहीं रुकेगी, हाँ रुक तो रही है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं। How to pay by cash? Yeah. Well, $2.30 लिए हैं। हमारा यहाँ से 5th स्टेशन है, 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूँ तो 120-130 रुपये के आसपास टिकट है। अगर मेरे पास स्टूडेंट कार्ड होता है यहाँ पे तो यही हाफ प्राइस में मैं ट्रैवल कर सकता था। अगर आपके पास कार्ड होता है तो आप यहाँ पे टैप करते हो और आप अंदर आ जाते हो, अगर आपके पास कार्ड नहीं होता तो आप यहाँ पे कैश से भी पे कर सकते हो। वैसे बड़ा टफ होता है जब हम पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पता तो होता नहीं, कोई मेरे साथ भी नहीं था, ना ही मेरे पास कार्ड था, तो पहली बार। अच्छा इंडिया में क्या है कि इंडिया में तो हम हाथ देकर रोक लेते हैं बस को, किसी के साथ चल लेते हैं तो सारी चीज़ पता होती है, ये रैपिडो ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे प्रॉपर आपका तो प्रॉपर टाइमिंग पे बस आएगी एंड प्रॉपर स्टेशन पे ही रुकेगी, आगे पीछे नहीं रुकेगी, बिना टिकट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वहाँ पे इंडिया में अलग सिस्टम है, यहाँ बिल्कुल अलग। हमारा स्टॉप आ गया तो हम चलते हैं। थैंक यू। देखता हूँ मैं यहाँ से, अभी गूगल मैप मैंने वैसे डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे किस तरफ जाना है क्योंकि रस्तों का भी पता नहीं है अभी। और स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे साथ कोई है बताने वाला वो थोड़ा इजी है, वरना तो थोड़ा टफ तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं घर की तरफ, इधर गलत मुड़ गया था, तो गूगल बता रहा है आगे से वहाँ से राइट लेना है और सीधे ही मेरा घर पड़ जाएगा जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। टेम्परेरी है, पता नहीं परमानेंट होगा या नहीं, बट अभी के लिए तो वहीं पे रुका हुआ हूँ। टफ तो होती है स्टार्टिंग में सेटल डाउन होने में, चीजें पता होने में, बट जैसे जैसे आप यहाँ पे चीजें पता चल जाएगी तो टफ नहीं लगता, टफ होगा आगे। ओके तो भाई बस यही था इस वीडियो में, तो बस मैंने अपनी यहाँ की पहले दिन की दिनचर्या इस वीडियो में हाईलाइट की है, कैसे कैसे होती है और
शाम को मेरे फ्रेंड आएगा तो हम सिम लेने जाएंगे और फिर मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह एक्टिवेट कराऊंगा जो चीज़ें होती हैं, बट बिना सिम के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती, तो सिम मैंडेटरी है, तो शाम को जाएंगे हम लेने। तो लाइक करना एंड देन सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आगे ऐसी ऐसी वीडियो और आएंगी। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।